खुफिया एजेंसी का बहुत बड़ा खुलासा आपको बता दूं, पकड़े गए दो आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली है। पाकिस्तान के थट्टा इलाके में ओसामा और जीशान को ट्रेनिंग दी गई। 26/11 के आतंकी अजमल कसाब को यही ट्रेनिंग दी गई थी एक खाली पड़ी शुगर मिल के अंदर। आईएसआई और पाकिस्तान की नेवी एलीट फोर्स ने आतंकी ट्रेनिंग दी। तो आप जिसको देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के हमारे मेहमान जिसको समझ रहे हैं हंसी ठट्टा, कहां है वो ठट्टा और कैसे दिन एक दिन इनके अपने लिए भी भारी पड़ने वाला है। पहले ये चेहरे देख लें आप, इनमें से दो चेहरों को वहां ट्रेनिंग मिली है जहां अजमल कसाब को ट्रेनिंग मिली थी, वो जगह है जिसका नाम है ठट्टा। इनमें से जीशान खबर और ओसामा, ये जो चेहरे आपने देखे, उनको ट्रेनिंग दी गई है ठट्टा में। ठट्टा कहां है जरा वो देख लीजिए। अगर आप इसको मैप में देखने जाएंगे तो कराची से पूर्व की तरफ, आपको जब पूर्व की तरफ आप जाएंगे तो वहां आपको ठट्टा ये जगह मिल जाएगी। और ये ठट्टा जो जगह है ये क्योंकि ग्वादर पोर्ट के करीब है, ग्वादर पोर्ट पहुंचने के लिए अभी जैसे ये लोग ले जाए गए थे मस्कट के जरिए ले जाए गए थे, मस्कट से इनको नावों में छोटी छोटी दूरी तय करके समुद्र में नावें बदल दी जाती थी ताकि इनको लोकेशन और उसके बाद कौन से नाविक थे क्या थे उनका ज्यादा परिचय, उनकी बातचीत ना समझ में आए और चीजें पूरी तरह खुले नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी इसको चेंज किया जाता था और उसके बाद यहां ग्वादर पोर्ट लेकर आ गए। ग्वादर पोर्ट वही जगह जहां से ऊपर सीपैक निकाल रहा है चाइना। खैर, ग्वादर पोर्ट ले आए जाने के बाद इनको ले जाया जाता था एक जगह और वहां इनको हवाले किया जाता था उन लोगों के जिनको आगे ट्रेनिंग देंगे, जिसको अस्कारी कहा जाता है। वो ट्रेनिंग जो 15 से 20 दिनों की होती है, उसमें क्या क्या सिखाया जाता है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये वो मैप है जहां ठट्टा में ये लोग ट्रेनिंग देते हैं। इसमें कई सारे ट्रेनिंग कैंप्स बने हुए हैं, कई खाली पड़ी शुगर मिल्स हैं। अब यहां जो पहले कामकाज के लिए, कारोबार के लिए जो कई कैंपसेस बनाए गए थे वो खाली हो गए हैं और अब इनको ये लगने लगा है कि ये यही एक इंडस्ट्री ऐसी है, आतंक की इंडस्ट्री, जिससे पाकिस्तान का भला हो सकता है, जिससे कभी डॉलर कमाए जा सकते हैं कभी युआन। खैर, आतंक का अड्डा पाकिस्तान का ठट्टा जहां तैयार होते हैं आतंकी कसाब, कई आतंकी गुटों का ट्रेनिंग ग्राउंड है ये। लश्कर-ए-तोयबा, जैसे मोहम्मद के आतंकियों का ब्रीडिंग ग्राउंड है ये। यहां ट्रेन किया जाता है उनको, ठट्टा में मौजूद फार्म हाउस में इनको दी जाती है ट्रेनिंग। ओसामा जीशान को बम बनाने की ट्रेनिंग यहां मिली। आईएसआई की मदद से आतंकियों को एडवांस ट्रेनिंग भी दी जाती है और इसमें ट्रेनिंग में ये सब हिस्सा होता है, कैसे इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाना है आरडीएक्स के जरिए, कैसे उसको बॉम्ब की शक्ल देना है, कैसे डेटोनेट करना है उसको वक्त आने पर, अगर आपके पास हथियार हैं AK-47 छोटे बड़े हथियार चलाना कैसे है, हैंडल कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, ये जरा देख लीजिए। बंद चीनी की मिल, वो चीनी की मिल जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, यहां आपको दिखाई दे रही इस लाल दायरे में, इसको क्लोज करके दिखाइए प्लीज, इसको क्लोज करें और ये देखिए ये बंद पड़ी, ये सैटेलाइट इमेज है इसलिए ऊपर से ली गई इस तस्वीर में आपको इस कैंपस का भान मिल रहा होगा। ये असल में जो छोटा सा इलाका दिखाई दे रहा है, जब एक्चुअली आप यहां जाते हैं तो कई स्क्वायर किलोमीटर का ये इलाका है जहां कई इस तरीके की चीनी मिले हैं और उसके अंदर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। सीधे सीधे सैटेलाइट तस्वीरों की पकड़ में ये कैंप ना आए, कोई तस्वीर ना ली जा सके, इसलिए इस तरह की बंद जगहों का इस्तेमाल भी किया जाता है। फॉर्म हाउसेस भी बने हुए हैं यहां जहां ट्रेनिंग कैंप, जहां पर ऐसी ट्रेनिंग दी जा सकती है जिसको सीधे सीधे, जिससे ये एम्प्लॉय ना हो, को एस्टेब्लिश ना कर पाए कि एक्चुअली यहां कौन सी ट्रेनिंग चल रही है। और यहां से बहती हुई ये नदी, ये पठान कॉलोनी, एक्चुअली उस जगह को एस्टेब्लिश करने के लिए, बताने के लिए आपको ये बाकी इसके माइलस्टोन्स और बाकी आसपास की जगह बताई जा रही हैं। पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग कैंप एक्चुअली कहां है ये इस नक्शे के जरिए आपने देखा और ये वो दो चेहरे आप देख रहे हैं जिनको यहां पर ले जाकर ट्रेन किया गया है। ये है जीशान कमर और ओसामा, इन दोनों को इसी जगह पर ट्रेनिंग मिली है ठट्टा में जहां अजमल कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। और इसके लिए ये चेहरा जो आप देख रहे थे दाऊद इब्राहिम का, ये क्यों? क्योंकि इसके जरिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट, इनको ले जाना, पहले इनके वहां से ओमान मस्कट तक जाने की तैयारी करना, वहां से फिर उनको कैसे लाया जाना है लॉजिस्टिकली ये इंश्योर करना, हवाला के जरिए पैसे भेजना, इनको एक्सप्लोजिव मुहैया कराना, सुरक्षा एजेंसियों की जांच आए बगैर कैसे एक्सप्लोजिव हथियार पहुंचाए जा सकते हैं ये इंश्योर कराना, और उसके बाद इनको ये बताना कि तुम्हारा टारगेट कहां पर कौन है और फिर बाकी एग्जीक्यूशन का काम ये सब करते हैं। सज्जाद तरीन ने जो कुछ कहा वो तो आपने सुन लिया। कश्वर कलासरा अगर हमारे साथ हैं, उनके पास मैं जाना चाहता हूं। कश्वर कलासरा को लाएं प्लीज स्क्रीन पर। कश्वर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, क्या इस बात को वहां खातिर में लाया जा रहा है या वहां के सिस्टम का यह हिस्सा बन चुका है और ये मशीनरी ऐसे ही रन करेगी? नरेश, मेरी आज सुबह ही बात हुई है यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री जिसको आप कहते हैं, वहां के अथॉरिटीज से, उनके उनसे मैंने पूछा कि इस किस्म की बातें हो रही है इंडियन मीडिया में, तो आपका क्या मौकफ है?
उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया कि हम मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देते। हाँ अलबत्ता इंडियन गवर्नमेंट इंडियन मीडिया घर में बना के खबर नहीं लाती है कश्वर कलासरा, ये बताइएगा उनको। ये पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने एज इट इज दिखाया है और उसके बेसिस पे और जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची है उनको सबूत के साथ तथ्यों के साथ सामने रखा है। खैर अपनी बात पूरी कीजिए कश्वर, आपकी बात बीच में आवाज चली गई थी। जी बिल्कुल, तो मेरी उनसे बात हो रहा है कि थ्रू प्रॉपर एक चैनल होता है, जिस तरह उन्होंने मुझे एक मिसाल दी कि जब ये दाऊद इब्राहिम की बात चली थी तो 6 एड्रेसेस उन्होंने दिए थे और हमने इंडियन ऑफिशियल जो जहां पर है पाकिस्तानी अथॉरिटीज हैं उन्हीं 6 एड्रेसेस पे जाके उनके साथ छापे मारे, उन्हीं के सामने पता चला कि वहां पे वो लोग मौजूद नहीं है जिनके वो एड्रेस दिए गए थे। तो अब मुझे ये मौका ये मिला है TV9 भारत वर्ष को पाकिस्तान की होम मिनिस्ट्री से कि अगर एक थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये पता चलता है कि किया जा सकता है, हम कभी ये बात पाकिस्तान आप भी जानते हैं किया जा सकता है, लेकिन अगर थ्रू प्रॉपर चैनल इन्फॉर्मेशन भेजी जाती तो ओसामा बिन लादेन भी ना मिलता एबटाबाद में, क्योंकि वही चैनल तो सारा काम कराते हैं। यही तो बता रहे हैं हमजा अय्यूब मिर्जा कि किस तरीके की इससे वहां की मशीनरी सपोर्ट करने में लगी हुई है, यही तो बात हम बार बार कर रहे हैं। लेकिन ये जो बात कही गई है इसको सूद साहब कैसे लेते हैं? सूद साहब ये कहा जा रहा है वहां पर रॉ फेल हो गई और यहां के हुक्मरान अपनी नाकामी छिपाने के लिए दे आर फाइटिंग विद द विंडमिल्स। ये अपना 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 बनाया हुआ कोई एक भूत है पाकिस्तान का जो लोगों के सामने रख देते हैं। सूद साहब जी, सूद साहब को मेरी आवाज शायद पूरी नहीं पहुंच रही है या पहुंच रही है तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैंने पूरे तौर पर क्या कहा। इसको समझने के लिए जरा अमजद अय्यूब मिर्जा के पास मैं ये जानना चाहता हूं। अमजद अय्यूब मिर्जा, ये जो आप कह रहे हैं कि रीएक्टिवेट हो गए कैंप, एक बार फिर से वहां सैकड़ों फिदाइन बनाए जा रहे हैं, 22 एंट्री पॉइंट से इनको एंटर कराया जाएगा वगैरह, और आपने ऑफिसर्स के नाम लेकर इसमें बताया है कि उसमें कौन कौन से शहर शमशाद और कई नाम आपने लिए, उनको बाकायदा ये जिम्मेदारी, अगर इस तरीके से वहां की मशीनरी काम कर रही है तो किस प्रॉपर चैनल की बात की जा रही है? प्रॉपर चैनल मैं बता देता हूं आपको, प्रॉपर चैनल ये है कि कलासरा साहब जो है ये इंफॉर्मेशन लेने पहुंच गए इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, अगर ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है तो ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री पर जाने के बजाय इनको चाहिए था ये पब्बी जाते और पब्बी में जाके कैमरा मोबाइल फोन लेके जाते और वहां वीडियो बनाते और वहां पे चेक करते सारा। ऐसा करने वाले जर्नलिस्ट के साथ क्या होता है? जी कितने दिनों तक जिंदा रहने की गारंटी रहती है ऐसे जर्नलिस्ट के? तो फिर छोड़ दे जर्नलिज्म, हम भी तो कर रहे हैं ना, हमने जिला वतनी कबूल कर ली, छुपना कबूल कर लिया, 1 साल से बीवी बच्चे को मैं नहीं मिला, जैसे मैं रह रहा हूं मैं जानता हूं, तो फिर या तो जर्नलिज्म करना तो फिर ऐसे करो, नहीं तो कालम निगारी करो। काश्वर कलासरा आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, काश्वर कलासरा। मैं अभी 3 घंटे के बाद ही वहां से निकल जाऊंगा, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए कि कहां पे ठट्टा में या कहां पे कश्मीर में है, मुसलमान हूं, मेरी बात पे आप यकीन कीजिए, ये TV9 की कमिटमेंट समझिए, आप मिस इन्फॉर्मेशन ना दिया करें हमें, हमने बड़ी मुश्किल से TV9 को खड़ा किया है, उसकी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रेपुटेशन है, फॉर गॉड सेक आप मुझे बताइए TV9 वहां पे पहुंचेगा और आप नहीं पूरी दुनिया वहां पे देखेंगे, आप हमारी रेपुटेशन को स्टेक में ना रखें। आपने पब्बी जगह का नाम लिया, ठट्टा जगह का नाम लिया, जल्दी से इनको बताइए इनको किस जगह जाकर वो देखना है। जी मैं बिल्कुल जाता हूँ, ये मेरी कमिटमेंट है आपसे। पब्बी में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर है, इस वक्त ये वहां पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि वहां पे इस वक्त 6 क्विक रिएक्शन फोर्स जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजर ने डिप्लॉय करवा दी है, वहां राउंड द क्लॉक जो है वो पेट्रोलिंग हो रही है उस कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द, बंकर वहां पे खोदे गए हैं, उसके अलावा हैंग आउट जो हैंग अराउंड सिक्योरिटी यानी कि लोगों में आम लोग घुल मिल जाते हैं सिक्योरिटी के, वो वहां पे पेट्रोलिंग कर रही है। तो ये कहाँ पहुंच सकते हैं ये बड़ा सवाल है, ये कह रहे हैं आप मुझे बताइए मैं उस जगह जाकर वहां की इन्वेस्टिगेशन करके मैं आपको ला कर दूंगा, ठट्टा तो जा सकते हैं ये, वहां तो देख सकते हैं क्या चल रहा है।